हाय हाय, इतनी गंदी शक्ल। मम्मी ने तो कहा था कोई स्मार्ट बंदा है। वैसे तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे घर की फ्री होकर नौकरानी बनूं? तुम्हारे घर पे पल्लू के पीछे अपना मुंह छुपाती फिरूं? तुम्हारी माँ की चाकरी करूं? हाँ, और छुप छुप के क्लबिंग जाओ, है कि नहीं? अरे हाँ अंशना बेबी, ऑब्वियसली शादी तो आपसे ही करूंगा ना मैं। ये पता नहीं मम्मी ने किसी पागल लड़की को देखने भेज दिया मुझे। वैसे एक बार अलग ही बोलो ना प्लीज। हाय, इतनी गंदी शक्ल। मम्मी ने तो कहा था कोई स्मार्ट बंदा है। एनीवे सॉरी, मैं जानबूझ कर लेट आई थी। आप भी कोई दिक्कत वाले कौन तो लगती हो नहीं, बैठ जाओ उधर। वैसे ये ऑकवर्ड साइलेंस को ब्रेक करते हैं ऑकवर्ड स्माइल के साथ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है। वैसे आप लग तो दबा रहे हो, पर आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? सीए हूँ। इसी से तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारे औकात से बाहर हो। मुझे तो पीएचडब्ल्यू लगी। पीएचडब्ल्यू? पोटेंशियल हाउसवाइफ। ये जोक सुन के मेरे मुंह से थूक निकल रहा है। ठीक, छोड़ो। वैसे तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? वेट, लेट मी गेस। बाप का बहुत सारा पैसा बर्बाद किया होगा और ये लुधियाना वाला मुंह लंदन ले जाके डिग्री करके बाप के बिजनेस में घुस गए होंगे। Am I right? अरे वाह, बिल्कुल सही पहचाना आपने। पर आपको और आपके परिवार को तो वही चाहिए ना कि अच्छा अमीर सा खानदान मिल जाए, कोई भी छोटू सा छोटी नुन्नू वाला लड़का मिल जाए, बस उसे शादी कर लो और प्यार पालो। जितना भी छोटा नुन्नू प्यार ही मैं चुन लूं, वही तो आपका मोटा होगा ना। इतनी बातों में तुमने कुछ तो सच बोला। वैसे तुम शादी एक्शन के लिए कर रहा होगा ना, क्योंकि तुझे लाइफ में सिर्फ एक बार मिला होगा, वो भी ऊपर ऊपर से। चलो अभी कॉन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए तेरी हॉबीज पूछ लेती हूँ। क्लब जाना, रात भर नशे करना, गर्लफ्रेंड के साथ चिल और बाप के पैसे उड़ाना, यही मेरी हॉबीज है। वैसे तुम लगते बेवड़े ही हो, पर जाता कहाँ है? हर जगह से मुड़ते हो क्या? वैसे तुम भी बहुत नशेड़ी दिखती हो। तुम नशे टाइप की हो ना, जो शराब के नशे में एकदम तुन ऑटो वाले के साथ जाके घुटने टिका के बीड़ी फूक के तीन पत्ती खेलो, है ना? अरे वैसे ये सब छोड़ो, मैं अभी पूरी मीटिंग में तुमको जज करने ही वाला हूँ, तो अब तुम्हारी हॉबीज भी बता दो मुझे। तो आप तो वही हो ना, पूरी जिंदगी पांच अच्छे लड़कों को डेट करो और उसके बाद उनको बोल दो अरे बेबी वी हैव नो फ्यूचर, हमारा नहीं चलेगा, मम्मी पापा नहीं मानेंगे। अरे घंटा नहीं मानेंगे, एक बार मानने का मौका तो दो मम्मी पापा को। और फिर सडनली अचानक कोई भी पतली टट्टी जैसी शक्ल वाले लड़के के साथ शादी करके इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करके सबको शॉक कर दो, है ना? वैसे पतली टट्टी से याद आया, आपको कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तुम्हारी बॉयफ्रेंड हो सकती है तो मेरा बॉयफ्रेंड हो ही सकता है, वो भी मेरे 10 खुद के और 15 कजिन बॉयफ्रेंड। वैसे तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे घर की फ्री होकर नौकरानी बनूं? तुम्हारे घर पे पल्लू के पीछे अपना मुंह छुपाती फिरूं? तुम्हारी माँ की चाकरी करूं? हा? और छुप छुप के क्लबिंग जाओ, है कि नहीं? इसे मैं बहुत बोर हो रही हूँ, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। हाँ, वैसे भी लगता नहीं तुम 30 मिनट खाए बिना रह सकती हो। मैं तो फिर भी ठीक हूँ, खुद को देखा है, ऐसा लग रहा है कि ग्लूकोज लेके फिरना पड़ेगा तुम्हें। गरीबों के शक्ति मैन, ये छोटुंदर वाला मुंह से जो तुमने इतनी बकवास की है ना, अपने बाप से पैसा लाए हो ना तुम? क्योंकि बिल से मैं पे नहीं करूंगी भैया, तुम्हें ही करना है, मैं तो सिर्फ नाटक करूंगी। तुम्हारे घर से वैसे ही इतना दहेज आने वाला है, ये बिल भी कवर हो ही जाएगा, है ना? वैसे एक बात पूछनी थी तुमसे। करो उल्टी। तुमने किया है क्या? वही सीधा सीधा हगो ना, इसे घूम फिर के हगोगे तो खुद बिगड़ जाएगा। कैसे बताऊं, मैंने दिया तुमने लिया, 9 महीने में छूट दिया। चोमू सीधा सीधा बोल, वरना मुंह नोच डालूंगी फिर। अरे वर्जिन हो क्या? एक काम करते, चलो अपने अपने घर चलते हैं, और मेरी तरफ से ना है। हाँ वैसे ही अंजनों की बहुत बड़ी और थूकों से भरी ना है। एक काम करते हैं, घर जाके अपने अपने मम्मी पापा को बोल देंगे, या तो लड़की का अफेयर था या तो लड़की लंगड़ी निकली, बस कुछ भी बोल के ना बोली देंगे। हाँ मैं भी बोली दूंगी, लड़का एक नंबर का शराबी बेवड़ा था और बिना पेंदी का लोटा था और बहुत ही चोमू था। चलो कॉल कर ही लेती हूँ आंटी को, सॉरी चुड़ैल को। आंटी जी, आपको मेरी तरफ से बिल्कुल भी नमस्ते नहीं, और मेरी तरफ से बहुत बड़ी ना है। आपको क्या लगता है आपका बेटा शादी के लायक क्यों है?
मेरे दो घंटे बर्बाद करने के लिए आपको मेरी तरफ से दो थप्पड़। चलो निकल लो। वैसे तुमने ये बकचोदी करी ली तो मैं भी आपके पापा को कॉल कर ही लेता हूँ। हेलो अंकल जी, मुझे आपकी बेटी बिल्कुल गंदी लगी है ना, इससे अच्छा था मैं अपने हाथों के साथ कोर्ट मैरिज कर लूँ। और वैसे क्या आपकी बेटी हिप्पोपोटामस की औलाद है क्या? सर इन्हें इतना खाया है, 2000 का बिल आया है, आप मुझे वो पैसे भिजवा दीजिएगा। ओके चलो निकलो, हम भी निकले। चलो